विक्रम भट्ट हेट स्टोरी जैसी इरोटिका फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी तरफ वो डेंजरस इश्क जैसी सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट करते हैं. यू हैव बोथ बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री, बट इट नेवर क्रॉस्ड योर माइंड दैट यू नो यू वुड लाइक लव टू वर्क विद विक्रम Well, you भट्ट? know, yeah, just strangely, even though we were in the same industry, our paths never came together. Maybe it was destiny that, you know, we had to kind of meet with this film. And yeah, he had me in mind, and I don't know, I guess maybe he envisioned me in this film. And I'm really happy ki maine is film mein kaam kiya hai, because it really excited me as an actor on every level. क्योंकि इतना कुछ यू नो वी हैव डन सो मच मेहनत ऑन एवरी लेवल, बी इट कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर, बॉडी लैंग्वेज, डायलेक्ट, डायलॉग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में इतना कुछ होमवर्क किया हमने, तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग. कहा जा रहा है कि ये विक्रम भट्ट की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, तो क्या उन्होंने नॉट आपके साथ कभी शेयर किया है या एब्सोल्युटली, ये रियल लाइफ स्टोरी ने उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड हुई है फिल्म. बेसिकली ही वेंट फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ही डिसाइडेड टू राइट दिस फिल्म. तो इट वॉज आई गेस ही गॉट द जर्म ऑफ एन आइडिया फ्रॉम देयर. और मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं की, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ डिस्कस की और हमने बैठे और बहुत होमवर्क करना पड़ा, क्योंकि ऐसा सीन है फिल्म में जो ऑडियंस को हम दिखाएंगे कि कैसे रिग्रेशन होता है एंड हाउ डू यू गेट रिग्रेस्ड. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग फॉर द ऑडियंस.